इसको पकड़ नहीं पाया तो कोई मार नहीं पाया, उठा लो तो गुलामी करूंगा, अगर मैं नीचे फेंक दूं सब पूरे मिलके भी नहीं उठा पाएंगे उसको हाथ से, जहर होता है टाइप का। और 10-20 रुपए का भी दवा मत ढूंढना फुटपाथ पर, फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि खाना नहीं मिलता अच्छा एक वक्त में, पेट भरने का दवा के कौन बेचेगा। और यहाँ वही चाहिए आदमियों को, 20 रुपए का तेल बताओ कहते लंबा हो जाएगा, कड़वा तेल भरा हो तो यहाँ ले लेंगे, तो गांव ले जाते हैं वहाँ 4 सीसी ले जाएंगे लंबा करेंगे। लंबा होता नहीं है ना, वही बाजार मोहल्ले मार्केट में आए बेचने वाला, पहले उसका पूरा तुम्हारा कितना लंबा, मैं 4 ले लूंगा, मेरे पास भी तेल है सांडे का पेवर, लेकिन 100 रुपए का है। हाँ, मार्केट दूध से पेट भरता है, बाकी पहलवान कुछ नहीं होता, इसको खाने से पहलवान नहीं होगा, अगर खाने से पहलवान हो तो बारह बन गया तो सबसे बड़ा पहलवान भी होता, लेकिन ये खाओ तो पेट सही रखेगा, खाना अच्छा खाओ उसमें ताकत है। ये लो, आदमी कहता है ना सांडे तेल लगा लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसे पेट की चर्बी उगला देगा, कुर्ते की पथरी वगैरह 1 महीना खिला सुबह शाम निहार में है, पारा मार देगा तब समझना, बढ़िया चीज ले लो, पारा खत्म कर देगा। ऐसे ही गुर्दे में तुम्हारे पथरी वगैरह है, बवासीर वगैरह है, खून ही बात है उसमें काम करेगा। और कहीं मिलोगा लखनऊ के अंदर 130 रुपये का बेचना 50 ग्राम, इतना जल्दी मुझे बैठना पड़ता है, तो क्या है यार जो आउट एरिया है सब लेबर मजदूर आदमी, 30 रुपये कम कर दिया, 20 ग्राम बढ़ा के भी दे रहा हूँ, ये लो थोड़ा और बढ़ा दूंगा जाने का वक्त भैया, आओ 100 रुपये आपका जाया नहीं जाएगा, ये चलेगा 20 दिन, इसको आधे लीटर जब पानी गर्म हो जाए पूरे पानी में डाल देना एक ही बार में, स्लिप बन जाएगा, बन जाए स्लिप तो अच्छे से ऐसे कांच में रख लो या स्टील के बर्तन में रख लो, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको पेट साफ करना हो तो पानी लो 2 चम्मच डालो पानी गर्म में गुनगुने में, पेट नहीं साफ 1 गिलास दूध लो 2 चम्मच दूध में डालो, आप ताकत देगा उसमें काम करेगा, बिल्कुल हाथ वगैरह पतला है जल्दी निकल जाता है, रुकावट नहीं बनता है, रुकावट को बढ़ाएगा, बढ़ा दिया थोड़ा और रखो पूरा खाओ, और में दारू शराब पी जाते हो भैया, गाड़ी में तेल डाले घूम लेते हो, मसाला बांधा के छू देते हो, तीन दवा है 100 रुपये, कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, डॉक्टर के पास जाते हो तो 500 फीस ले लेता है, बाद में दवा लिख के देता है, तो अभी तो बैठे हो, अभी बैठे तो रही हो, अच्छी चीज़ है तो बंद करने का खुलता है। भैया भाई तेल भी ले जाओ सांडे का, पेवर तेल है खाली गर्म कर लेना ऐसे रात में, इसने 2 गलती किया क्या, पहले तो हाथ से मारा जाता, ठंडे पानी से धो देते हैं ये लोग, नहीं तो सिकुड़ जाएंगे, अंडे के लिए टेढ़ा हो गया तिरछा ढीला छोटा पड़ गया सिकुड़ बनाया, करने जाओगे ढीला नहीं करेंगे, पानी में आधे लीटर पानी गर्म कर लेना पूरा पैकेट डाल देना, मालिक जानता बड़े भाई 100 रुपये जाया नहीं आएगा, नुकसान तो नहीं बात, आधा घंटा आगे पीछे करो अल्कोहल होता है, अगर साथ में करो कॉम्प्रोमाइज हुआ तो टट्टी लग जाएगी बस, इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है, देसी दवा के बाद याद रखना, मेरे पास खाली वाला आदमी चाहिए, ये देखो ऑर्डर करते हो भी मंगवा सकते हो, जो आदमी कहते हैं ना, अरे भैया अरे भैया ठीक है हो जाएगा ऑर्डर, दवा भी अच्छा है ये देखो 20 साल पुराना 40 साल पुराना, इसका बोलता दमा ही नहीं है, 2 धक्के में सारा माल बाहर हो जाता है, खाली सुबह खिलाना है तो निहार मुँह ताज़ा पानी या दूध मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, इसके अंदर बीज बंद काम राजस्थान मखना चिरेगंज कमर का सलाज बनती सबन मुस्लिम तालीम बन जाए बड़ का दूध 44 जली बूटी कूट के पड़ा हुआ है, अगर एक नहीं काम करेगा तो और भी 40 है, 2 नहीं काम करेगा 40 क्यों नहीं बचेगी, आदमी कहता है हाथ नहीं बंद होता है, चले आए मेरे पास, खाली खाने वाला आदमी नहीं मेरे पास, हाथ जहाँ से गिरता है ना वहीं जाकर धात को चिपका दे गया ऐसा, और आधे घंटे का हमेशा कभी सीढ़ी देगा लगता है ना जल्दी माल बाहर नहीं निकलेगा, हाँ तब मानना वो कुछ बढ़िया चीज़ खाया था है, ये जितने आदमी हो चाहिए 10 और 20 और 30 या 35 हो जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों भैया ये है तब मुझसे रखिए अंदर,
बंग है, जो खाए बंग रात भर मचाए जंग मेहरुआ भी उसके संग, जो ना खाए बंग भर उसके संग, भुजिया गोंद वगैरह है, बाबूला गोंद है, नीमा गोंद है सब। आदमी सांडा नहीं जानता क्या होता है, ये होता सांडा राजस्थान के रेत के अंदर होता है, जो हवा खा के जिंदा रहता है। कभी देखा नहीं हो कुत्ते का बाजार जहाँ लगता है नागालैंड में, ये देखो कुत्ते का गोश्त खाते हैं नागालैंड में, ये हमारे इंडिया में है अपने चाइना का लाच चोरा जहाँ पे है आदमी खा जाते। देखो मैं रही का रहने वाला हूँ, लेकिन इंडिया में से कोई जगह बचा नहीं जहाँ मैं गया नहीं हूँ। बाराबंकी मेरा घर ही है, बाराबंकी पंखी का घर है मेरा, बस्ती में रहता हूँ पंखी। पहले जमाने के नवाब 25 दिखा देते थे, 365 रुपये रखते थे, आज अपना एक नहीं संभाल पाते, अपना साले खराब कर लिए। अबे तुमरा नहीं काम कर रहा तुम ले, तुमरा नहीं काम कर रहा तुम ले, तुमरा नहीं खड़ा हो रहा दूसरे को देते हैं राय, अपना काम ही नहीं करता है, उससे मतलब ही नहीं है। ये सांडा होता है जो राजस्थान के रेत के अंदर होता है, सिर्फ हवा खा कर जिंदा रहता है, इसी का चर्बी का तेल है सांडा ऑयल। मेडिकल पर जाओ 250 रुपये का सीसी मिलेगा, 250 या 300 रुपये का देगा है, ऐसे चर्बी निकलते हैं, ऐसे पकाते हैं, लगा दो मरे हुए नसों पर जान डाल देगा बिल्कुल। जवानी में दो गलती कर लिया, नस टेढ़ा तिरछा ढीला छोटा सिकुड़न पर अंदर चले गए, उनके लिए बड़ा मोटा नहीं करेगा, दल फ्रेम मत रहना आदमी सोचते लगाओ लंबाई से कुछ नहीं है। बना के रखो व्यवस्था दोस्त, हमेशा चप्पू में ढाल लगा रखो, बकरी कभी मिला लाल कर लेना तुम्हारी। 1000 रुपये की तेल है सब।